हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे एक नए और मज़ेदार ब्लॉग पे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ मेरे घर के पास एक पूजा हो रहा है, जिसको कहते हैं चरक पूजा कहते हैं, आप लोग को शायद पता होगा। तो गाइस, मेरे घर के पास ही बहुत ही पास थोड़ा दूर है, तो उधर चरक पूजा हो रहा है, तो अभी मैं जाने वाला हूँ। और गाइस, इधर मैं अपने भाई के लिए वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर से, तो वो लोग आएंगे तो इसके बाद एक साथ जाएंगे। और गाइस, ये आप लोग देखे होंगे पहले भी, जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं वो मेरा जो कॉलेज है उसी रास्ते पे पड़ता है, तो वो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग पे काफ़ी बार देखा होगा। तो गाइस, उसको फिर से दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस, मैं क्या करूँगा, मैं वो उधर जाने के बाद, जहाँ पूजा हो रहा है उधर जाने के बाद ही जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस, सभी उन लोगों का वेट कर रहा हूँ, भाई लोग और दोस्त लोग का वेट कर रहा हूँ, तो जब भी वो लोग आते हैं तब हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा आप लोगों को, काफ़ी अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग पे ज़रूर बने रहिए। और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, वो भाई का घर इस तरफ है, आप लोगों ने देखा होगा मेरा 2K सेलिब्रेशन पे जो एक भाई था, जो हम लोग केक वगैरह काटे थे, उसका नाम प्रीतम है, तो वो इधर रहता है थोड़ा अंदर मेरे घर के पास ही। मैं तो इधर से आया था और इधर वो रहता है, और इस साइड आप लोग देख सकते हो इधर वो रोड है, तो उसका वेट कर रहा हूँ, तो वो नहीं आ रहा है। उसको कॉल किया था मैंने बहुत बार, बोल रहा था कि आ रहा है बहुत ही जल्द, तो देखते हैं कब तक आता है, थोड़ा वेट करते। तो गाइस, इधर देखिए जो सारे लोग जा रहे उधर पूजा के, उधर कीर्तन पूजा पे हम लोग जहाँ भी जाने वाले सब लोग जा रहे। और गाइस, आप लोग जो ये पीछे जो रास्ता देख रहे हो, हम लोग इधर से जाने वाले, और देख सकते हो इधर बहुत सारे लोग जा रहे, काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुत समय से बहुत सारे लोग जा रहे इधर से, और मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ उन लोगों का, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है वो, कितना बार कॉल कर चुका हूँ, तो देखते कितनी देर में आते हैं। और इधर थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा है, फ़ोन पे गिर रहा है बारिश, पता चल रहा है हाथ पे भी, तो सिर्फ बारिश ना आ जाए ज़ोर से, नहीं तो गया सब बर्बाद, छाता भी लेके नहीं आया मैंने। और गाइस, ये जो पूजा है ये साल में हर साल होता है, हर साल ये जो पूजा है चरक पूजा जो है वो होता है, और जब भी होता है गाइस हर वक्त जो बारिश है वो होता ही होता है, कभी भी मिस नहीं होता बारिश जो है, हर चरक पूजा में बारिश तो होता ही। और अभी भी गाइस देख सकते हो मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, थोड़ी देर पहले तो एक बूंद दो बूंद बारिश हो भी रहा था, तो अभी तो कुछ बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश आ सकता है बहुत ज़ोर से, और मैंने तो छाता भी नहीं लिया, भीगना पड़ेगा, कहीं पे अगर ठहरने का जगह होगा तो उधर ठहर जाएंगे। और गाइस, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं आया, काफ़ी लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जा रहे, पता नहीं उधर पूजा जो है वो शुरू भी हो चुकी है या नहीं। और गाइस, जो पूजा है उस पर काफ़ी कुछ होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा, जो वो होता है हुक जैसा कुछ, वो पीठ के अंदर घुसा देते हैं, कीले वगैरह बहुत। तो देखिए गाइस, वो भाई आ चुका है इधर, आप लोग देख सकते हो, देखिए गाइस कितने देर से वेट कर रहा था, आ गए हैं, आज आने दो इनको, करीब डेढ़ घंटे से वेट कर रहा था उन दोनों का। वो देखिए आ रहे, एक दो तीन, आ जाने दो। और ये मौसम देखो गाइस क्या हो रखा है, काफ़ी अंधेरा टाइप का हो रखा है, बारिश होने वाला है। तो गाइस देखिए, इधर सब लोग आ चुके हैं, तो अभी जाएंगे, आया जल्दी। तो गाइस देखिए, ये वो शख्स जिसने डेढ़ घंटा वेट कराया मुझे। तो गाइस, अभी सब लोग आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और गाइस, ये जो रास्ता है वो दिखा के आप लोगों को फायदा नहीं है, तो उधर जाने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू कर। तो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके, तो अभी आप लोग को दिखाते। तो गाइस, इधर का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हो काफ़ी लोग जा रहे, देख सकते हो सामने चार पांच लड़के जा रहे, तो हम लोग भी अभी जा रहे। तो गाइस देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे नीचे आवाज़ सुन रहे होगे आप लोग, ढोल का आवाज़ है नीचे,
तो गाइस देख सकते हो बहुत सारे लोग आए हुए। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो कैसा भीड़ हो रखा है, इतने सारे लोग आए हुए हर साल से, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है गाइस, देख सकते हो लोग भी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर इतने सारे लोग हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं क्योंकि इधर हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गाइस, देख सकते हो हर तरफ लोग ही लोग, इधर ऊपर से भी देख रहे हैं, तो देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इसको। तो गाइस इधर देख सकते हो काफ़ी लोग अपनी दुकान लगा के भी बैठे इधर इधर, हर टाइम ऐसा दुकान तो नहीं होता, ये पूजा के लिए इधर दुकान लगा के बैठे सब लोग। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो ये जो शिव और पार्वती बने तो ये लोग डांस कर रहे हैं। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं ये दो लोग जो तलवार है उसको पकड़ के रखे, और ये जो आदमी है वो अभी तलवार पे जो पेट रख के घूमने वाला है, और ये काफ़ी डेंजरस होता है गाइस, इस पर पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इस पर कोई मैजिक ट्रिक होगा मुझे ऐसे लग रहा है। तो देखा आप लोगों ने गाइस कैसे करते पता नहीं गाइस, काफ़ी डेंजरस लग रहा है मुझे, लेकिन ये हर साल ऐसा ही होता है, कैसे कर लेते पता नहीं गाइस, इसका पीछे बहुत बड़ा एक राज होगा।
तो गाइस ये भी देखो, ये और खतरनाक है। देख सकते हो तलवार पे पैर रख के उस पर खड़े हो गए। गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो पैर से खून भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है और ये कर लेते ये लोग, कुछ नहीं होता, पता नहीं कैसे। और गाइस इधर देखे शिव और पार्वती और काली माँ, वो इस बेस पे बने हैं, डिजाइन करके बनाया गया है।
तो गाइस हम लोग इधर ठहरे छत के नीचे और बारिश जो है वो आ चुका है, काफ़ी बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत जोर से आने वाला, तो इधर हम लोग रुके तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है गाइस। जो पूजा वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी डेंजरस वाला सीन था इधर, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, कैमरे में अच्छे से पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग इधर देख सकते हो इस छत के नीचे ठहरे हुए। तो गाइस जो चरक पूजा है वो ख़त्म हो गया है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो इधर एक मंदिर पे बैठे हुए, और ये भाई जो वो मोमबत्ती जो वगैरह है वो मंदिर पे जला के दे रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं, और गाइस आप लोगों को ये जो पूजा है वो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज के लिए इस ब्लॉग को इधर ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।